20 साल पुराना रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, आपका रिजल्ट 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो, ओके, यानी पुराने से पुराना रिजल्ट आप अपना निकाल सकते हैं किसी भी क्लास का, ओके, फाइनली ऑनलाइन के माध्यम से, वो भी अपने बिल्कुल फोन से। जी हाँ, अपना आप अपने फोन से ही अपना पुराने से पुराना रिजल्ट निकाल सकते हैं। काफी सारे जो बच्चे होते हैं परेशान रहते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा, मैं 10th में हूँ, 12th में हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, या फिर मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा, मेरा रिजल्ट निकलेगा तो निकलेगा कैसे? तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन माध्यम से, यानी गूगल क्रोम किसी ब्राउजर से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। जी हाँ, और हाँ एक चीज और, अगर आपको अपना रोल नंबर भी याद नहीं है तो भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे? वो अपने नाम से, फादर नेम, मदर नेम, ओके, स्कूल नेम, इन सभी चीजों से आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, यानी कि इसमें आपके लिए डबल खुशखबरी, यानी कि एक तो अपना 20 साल से, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना रिजल्ट निकाल सकते हैं, और दूसरा अगर आपको रोल नंबर याद भी नहीं है तो भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। जी हाँ, पुराने से पुराना रिजल्ट कैसे निकाले, तो आइए चलिए जान लेते हैं। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एमडी सपोर्ट पर। तो एक बार फिर से आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बताते हैं आपको कि आप अपना पुराने से पुराना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो फाइनली मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, ड्रो ऐप भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ये भी मैंने ऑन कर लिया। तो फाइनली आपको अब आपको मतलब मेरी जो स्क्रीन है ये साइड में दिख रही होगी, तो आपको क्या करना है, आपके फोन में कोई सा ब्राउजर हो, गूगल हो, क्रोम हो, ओपरा मिनी हो, यूसी ब्राउजर हो, ओके, फायरफॉक्स हो, कोई सा भी हो, मोजिला हो, कोई सा भी हो, फाइनली जो है मैं क्रोम का यूज करने वाला हूँ। ये देखिए क्रोम ब्राउजर है, तो फाइनली मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी टुडे इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च करना टुडे इन्फॉर्मेशन 2-3, ओके, ये आ जाएगी। इस पे भी हमने बताया हुआ है कि आप अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो आके आप देख सकते हैं। तो फाइनली इस पे गूगल का सर्च बार आ गया, ये सर्च बार आपको दिखेगा, सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना है INDIA, इंडिया, RESULT। देखिए पूरा प्रोसेस देखिएगा, अगर आपने वीडियो कहीं से भी स्किप करा और आप सीधा चले गए कि हाँ इंडिया रिजल्ट का तो पता चल गया ये जाके निकाल लेना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। इसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे निकालना है, वो देखिए। इंडिया रिजल्ट आप सर्च करोगे, जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहले नंबर पे यही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए m.indiarizult.com के नाम से ये देखने के लिए मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, अगर साइड में प्रॉब्लम आएगी तो ये आपको दूसरे नंबर पे भी देखने के लिए मिल जाता है कभी कभी, वरना टॉप पे ही रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किसी भी क्लास का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप जिस भी राज्य से हैं, आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं, यहाँ पे सभी राज्यों के रिजल्ट जो है अवेलेबल हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए आप चाहे एपी से हो, आंध्र प्रदेश से हो, या फिर आप आसाम से हो, या फिर आप बिहार से हो, या छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी, केरला, कर्नाटक, झारखंड, जेएसके, ओके, और आपका हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सभी जगह का रिजल्ट है। ओके, यानी हर राज्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जिस भी राज्य से उस राज्य पे क्लिक करिए, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो मैंने जो है सिंपली ये पंजाब का ऑप्शन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस राज्य पे हैं उसी राज्य पे क्लिक करिएगा। जैसे मैंने पंजाब पे क्लिक कर दिया, अब आपसे पूछेगा ये, यहाँ पर देखिए जैसे कि पंजाब पे मैंने क्लिक करा तो ये पूछ रहा है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट देखना है आपको या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का देखना है। अगर आप किसी और राज्य पे करोगे, जैसे कि आप यूपी पे करोगे, तो आपका लिखेगा यूपी स्कूल एजुकेशन बोर्ड, या फिर आपका जो CBSE का है नीचे वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप CBSE से स्टडी कराओ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करना। तो फाइनली जो है मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का निकालना चाहता हूँ। नीचे जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चे अगर अपना रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो नीचे ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो फाइनली 10th 12th वाले बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं 10वीं और 12वीं क्लास का प्रोसेस बताता हूँ। फाइनली हमने इस पे क्लिक करा, अब आपसे ये पूछेगा आपको 10th क्लास का निकालना है या 12th क्लास का निकालना है। यहाँ पे देखिए सभी ईयर के यानी हर साल के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फाइनली आपको जिस भी ईयर का निकालना है उस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस भी राज्य से मतलब खोलोगे, जैसे यूपी से खोलोगे तो यहाँ पे यूपी का लोगो आएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ओके,
अगर आप बिहार से खोलोगे तो बिहार एजुकेशन बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप जहां से भी खोलोगे वहां का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ब्लर मार दूंगा वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक रोल नंबर का, दूसरा इंटरनेम का। या तो आप रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर लो, या फिर आप नाम से रिजल्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको रोल नंबर पता है तो रोल नंबर डालिए, चेक करिए। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता तो मैं फाइनली नाम से चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप कोई सा भी नाम सर्च कर दो, जैसे कि मैं रिहाना सर्च करता हूँ, REHAN, रिहाना। रिहाना सर्च करने के बाद, रिहाना डालने के बाद, आप अपना नाम डालने के बाद गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कि मैंने गो के ऑप्शन पे क्लिक करा, ओके, तो रिहाना के नाम से कोई रिजल्ट नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ पे दूसरा नाम डालता हूँ, ओके, REJAN, राजन। राजन डाला, राजन के नाम से देखिए जो जो रिजल्ट है सारे यहाँ पे आ गए। अब देखिए राजन के नाम से जितने भी रिजल्ट है, नाम इधर आ रहा है और रोल नंबर ये रहा, ओके, और फादर नेम भी है, मदर नेम भी है। तो आपको मैच कर लेना है मम्मी पापा का नाम और अपना नाम, ओके। इसके बाद फाइनली जब आपका रिजल्ट इसमें दिख जाए, देखिए सभी रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जब दिख जाए तो फाइनली यहाँ पर देखिए आपको गेट का ऑप्शन दिखेगा, गेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। ओके, देखिए जैसे कि रिजल्ट यहाँ पे ओपन होके आ गया, सारी चीजें लाइव चल रही है यहाँ पे। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। ओके, फिर यहाँ पे ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सेव का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, ये तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपका यहाँ पे, फिर आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हमने इसको सेव कर लिया, अब हमारी ये गैलरी में सेव हो गया। फाइनली मैं आपको दिखा भी देता हूँ डाउनलोड के ऑप्शन में। ओके, यहाँ पर मेरे ये गैलरी में आएगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में मैं आपको एक बार जाके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए फाइल मैनेजर मैंने ओपन करा, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आता है आपका डॉक्यूमेंट में। ओके, डॉक्यूमेंट में आता है तो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा। ओके, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है, मेरा फोन भी हैंग करता है, तो शायद ये आएगा कि नहीं आएगा ये भी डर है। ओके, क्योंकि इसमें सेव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये फाइनली किसी और चीज का है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो। ओके, फाइनली, वरना इसमें अगर नहीं आता है तो आप यहीं से सिंपली जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या प्रिंट करके जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए सेव हुआ है, पर दिखा नहीं रहा कौन से फोल्डर में। ओके, तो आप इस तरह से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, पुराने से पुराना। ओके, तो दोस्तों यही एक तरीका है आपका रिजल्ट निकालने का, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होगी। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।